रुक्मिणी हरण यहीं से हुआ था। राजा भीष्मक जो थे उनकी पुत्री थी रुक्मिणी, जो कुंडलपुर कुरकिहार बगल की रहने वाली थी, तो उसी जगह का ये धर्मस्थल है। और राजा भीष्मक का ये राजबाड़ी का ये राजबाड़ी था, यहीं श्री रुक्मिणी नहाने आती थी और यहीं से देवी का पूजा करने जाती थी। यहीं से मान्यता है कि जो मंदिर का दरवाज़ा है पहले पूर्वाभिमुख था, और जब श्री कृष्ण लेकर रुक्मिणी को मतलब हरण करके लेकर गए तो ये दक्षिण में हो गया। ये अपने आप हो गया, अपने आप हो गया था। अभी आप सबों को मैं एक ऐसे जगह पे लेके आया हूँ, नाम तो सुने होंगे लेकिन बहुत कम लोग इस जगह पे आए होंगे। विदर्भ नरेश भीष्मक जिनकी पुत्री थी रुक्मिणी, जिनको वासुदेव श्री कृष्ण यदुकुल शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण हरण करके ले गए थे। यहाँ पे देख रहे होंगे माता का स्थान है ये हराही स्थान। इसी जगह से रुक्मिणी जी का हरण हुआ था और भगवान श्री कृष्ण उनको हर के ले गए थे। बस यहाँ से कुछ दूरी पे उनका माइके है, जो विदर्भ नरेश थे, विदर्भ के राजा थे भीष्मक, उनका घर है यहाँ पे। मतलब उनका घर होगा उस समय का, मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। क्या नाम था उसका जगह का? कुरकिहार। कुरकिहार, अभी कुरकिहार जगह है यहाँ से कुछ दूरी पे। वहाँ पे उनका घर था, रुक्मिणी जी का माइके था, और वहाँ से पूजा करने के लिए इस जगह पे आए थे जिस जगह का नाम है हराही स्थान। ये हराही स्थान गया जिला में स्थित है, गया जिला में वजीरगंज प्रखंड है, उसी प्रखंड के अंतर्गत ये जगह है। और यहाँ पे देवी माता का पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी आए थे। यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार मैं बता दूँ, जैसा इनका कहना है कि रुक्मिणी जी के मायके यानी कि उनके घर से इस मंदिर तक एक सुरंग बना हुआ था, जिस सुरंग के माध्यम से वो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे। तो ये वही जगह है, मैं कोशिश करूँगा कि माता का दर्शन भी आप सबों को करवाऊँ। लगातार यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहाँ के पुजेरी हैं। अच्छा, आप यहाँ पूजा करते हैं? अच्छा, क्या बात है। मेरा नाम राजकुमार है। जी जी। प्रसिद्ध नगरी तो जरूर है, और ऐतिहासिक प्राचीन काल की प्रतिमा है ये, कोई ने हम आपने इसको मैंने स्थापना किए हैं, प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। ये बहुत दिनों से हमारे दादा भी नहीं जानते हैं कि कब ही बना है। अच्छा, अच्छा। बहुत प्राचीन मंदिर है, बाकी यहाँ व्यवस्थापक ढंग से नहीं रहने के कारण अगल बगल के जो लोग हैं यहाँ तहस नहस करने पर पड़ गए हैं। अच्छा। प्रशासनिक भी अगर सूचना देते हैं तो आते हैं, बाकी वो भी बेचारा क्या कर सकते हैं, एनी टाइम। सब करीबी लोग, यहाँ के नजदीकी लोग भी चाह रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है। तो ये दिक्कत है। अभी देखिए वर्तमान समय में एक महंत आए हुए हैं, विशेष जानकारी वो भी यहाँ पर के देंगे। आप तो खैर पत्रकार हैं, सौभाग्य है। कहाँ से आए हैं वो? वो आए हैं वैशाली जिला के रहने वाले हैं। अच्छा। तो यहाँ पर ही करीब 1.5-2 साल से रह रहे हैं। अच्छा। और उन्हीं का भी नेतृत्व में है, बाकी गांव वाले लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, और ख़ास करके उरेल के लोग जो हैं, कुछ लोग समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं कि कुछ। जी, 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 जी। हाँ, अभी देखिए यहाँ बौद्ध विहार बनने जा रहा था, वहाँ पर बुद्ध भगवान का एक प्रतिमा। अच्छा। बाबा को कहना था कि भाई यहाँ पर ठीक है बनाइए, हम मना नहीं करते हैं, बाकी राधा कृष्ण के बनाओ, सूर्य मंदिर बनाओ। बिल्कुल। ये भगवान बुद्ध विहार में आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे, ये अपना पूजा लेने के लिए नहीं आए थे। नहीं, हम लोग विरोध भी नहीं करते, और लेकिन जिससे जुड़ा हुआ ये स्थल है, आप उसको भी यहाँ पे उसका भी निर्माण हुआ होना चाहिए। जी, जी, है कि नहीं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। माता रानी के प्रतिमा को गिरा दिया था, हम लोग अगोरिया में वहाँ पर थे, और गाड़ी ला करके प्रतिमा को लोड करना चाहा, खून खतरा हुआ, माता की कृपा जांचना, खून खतरा हुआ, लेकर के गाड़ी भागा। फिर 10 दिन के बाद फिर सोचा कि अब तो पंडित जी लोग स्थिर हो गए हैं, चलो अब वहाँ अटैक करेंगे। तो हम लोग सब मंदिर पर थे, बाकी माता के जांचना, हम लोग चाय पी रहे थे 10-11 बजे, लगा कि नहीं चेवा को छोड़ो, चलो मंदिर देने चल कर देख लो। फिर आए मंदिर देने तो चोर फिर जग लगे ले उठाने के लिए, जग उठे ले है, छेनी उठे, छेनी है, हथौड़ा बड़का बड़का वो है। तो ये सब हम लोग जो देखा न, और गाड़ी 4-व्हीलर लगे था पोखरिया पर, तो मोबाइल के ज़माना था उस समय, तो सब लोग के यहाँ, हम लोग के यहाँ भी मोबाइल नहीं था। अरे आज मैं 1500-1600 रुपया के ले करके वो मोबाइल वाला होल है, और पहले भाई 10,000-12,000 लोग बताते थे, तब दिमागे हैंग कर जाता है, पप्पा कहिए 15,000-20,000 होगा कि मोबाइल है उसे लेंगे। तो ये स्थिति था, बाकी हम लोग नेतृत्व में बराबर हैं, और यहाँ हम लोग रहेंगे। यहाँ के 4 घर हम लोग पुजेरी हैं, ऐसे 16 घर अमेठी पंडित जी हैं, बाकी 4 घर में बाप दादा जो बंटवारा के हैं उसी का नेतृत्व भी हम लोग चल रहे हैं।
मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी, ये प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध स्थल है, और इसके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी जगह है ये, हमें तो मान लीजिए हम लोग रुक्मिणी हरण हड़ाही स्थान नामी जगह है, ये नामी जगह रहते भर में इस तरह से यहाँ पर प्रतिष्ठान किया जा रहा है सर, इसे उचित फैसला सरकार को किया जाए। बिल्कुल, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनिल कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं? मैठी से, जिनका भतीजा हुए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए आते हैं। देखिए कोलना से आए सर, कहाँ से आए? चेन्नई से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, बोकारो से आते हैं, लेकिन जी हाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं स्थान। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं जो मुझे जानकारी है, जब रुक्मिणी जी का शादी होने वाला था, जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, भीष्मक जो विदर्भ के राजा थे, जब वो शादी करवा रहे थे तो रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं कि हे केशव, हे माधव, आप हमें बचा लो। और फिर भगवान यहाँ पे आते हैं और रुक्मिणी जी को हरण करके ले जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्यार तो हुआ था केशव को श्री राधा रानी से, लेकिन उनकी पत्नी थी रुक्मिणी जी। तो ऐसे हम लोग राधे कृष्ण कहते हैं क्योंकि उनका प्यार अमर था, अमर है और अमर रहेगा। उदाहरण में उनका प्यार आता है हमारे श्री राधे जी का, वासुदेव श्री कृष्ण जी का, लेकिन उनकी पत्नी थी रुक्मिणी जी, है कि नहीं? सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शिशुपाल से शादी होने वाला था, जबरदस्ती करवा रहे थे विदर्भ नरेश और उनके बेटे रुक्मिणी जी, लेकिन रुक्मिणी जी याद करते हैं, स्मरण करते हैं केशव को, और वो आते हैं और इसी जगह से रुक्मिणी जी को हरण करके ले जाते हैं। यहीं पे माता का पूजा करने के लिए, पूजा करने के बहाने वो आए थे और यहाँ से हरण करके ले जाते हैं। थोड़ा सा दर्शन करवा सकते हैं हम अपने दर्शकों को? आइए। यही माता है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे होंगे यही माता है जो आज से नहीं, कई हजार वर्षों से यहाँ पे विराजमान है और जिनका पूजा करने के लिए रुक्मिणी जी आए थे, जो भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी थी, और यहाँ से फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें हरण करके ले गए थे, है कि नहीं? जी बिल्कुल सत्य। यहाँ पे पुजारी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि यहाँ का आप जानकारी दिए। और आप सबों को कैसा लगा माता का दर्शन करके, निश्चित रूप से बताइएगा। तो ये मंदिर कितना पुराना होगा? बहुत पुराना है। अच्छा, ये मंदिर यहाँ पे फिर से बनने का? जी हाँ, प्लानिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये तो रहेगा ऐसे ही ना? जी नहीं, ये थोड़ा सा और चौड़ा होता है, क्या कि माता बहन जब ज्यादा जो लोग आ जाते हैं तो सुविधा प्रदान होना शुरू होता है, तो वो जो पीछे जो और दीवार जो खींचा हुआ है उसी को इसको और थोड़ा सा फैला कर देना। पता नहीं है कि ये कितने वर्ष पुराना है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही पुराना है। धन मना रहा है। जी 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 जी, नहीं मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे पावन जगहों को बचाया जाए, इसे ऐसे नहीं छोड़ा जाए। से एक प्रतिमा ने है, यहाँ से बहुत जगह नवादा संग्रहालय में गया, गया संग्रहालय में गया, पटना संग्रहालय में भी। अच्छा। कुंडीलपुर कुरकिहार के नाम से प्रसिद्ध है और हड़ाही स्थान वही के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ से प्रतिमा यहाँ नवादा संग्रहालय में भी गया है, पटना गया है, गया में भी है। जी, जी, जी। तो ये तो देखने का चीज़ है। जी अच्छा, प्राचीन अभी गढ़ वगैरह जो कुरकिहार में है अभी वर्तमान में भी देखा जा सकता है। अभी भी बारिश अगर अधिक अगर होना होता है तो मिट्टी ज्यों ही दहना शुरू होता है तब प्रतिमा को बहुत अष्ट धातु वाला प्रतिमा निकलता है। जी हाँ, जहाँ पे माइके है इनका जी, जी। उनके बारे में ये बता। जैसा कि मैं बताया आप सबों को कि ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, हराही स्थान, जहाँ पे रुक्मिणी जी का हरण हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य बता दूँ यहाँ का, ये देख रहे हैं ये पोखर है, और पोखर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि रुक्मिणी जी इस पोखर में स्नान करने के लिए आते थे और फिर स्नान करके देवी का पूजा करते थे। माइके भी इनका पास में ही, आपको बताए कि माइके पास में है, और वहाँ से सुरंग के द्वारा आते थे और इस पोखर में स्नान करके उसके बाद देवी पूजा करते थे। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस पोखर का हालात देख रहे हैं आप, किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है। इतना प्राचीन स्थल, इतनी प्राचीन यहाँ की कहानी है, इतनी इसका पहचान है, प्रसिद्ध है ये जगह, और फिर ये स्थिति है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं यहाँ के, और संत जी हैं जो यहाँ पे मंदिर पे रहते हैं,
ये सभी के सभी बहुत चिंतित हैं इस जगह को लेकर कि क्या यहाँ का महिमा है, कितना प्रसिद्ध ये जगह है और इस अवस्था में क्या होगा, यहाँ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। संजीव स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल की आज में। जी जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? मैं इस जगह के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, जो कचरा है उसको साफ सुथरा रहे, तालाब का नवीनीकरण हो, मंदिर का अच्छा हो, जो प्राचीन है तो प्राचीन धरोहर हमारा बचे ताकि यहाँ का विकास हो। विकास के बारे में इसके लिए सोचा जाए, क्योंकि रुक्मिणी हरण यहीं से हुआ था। राजा भीष्मक जो थे उनकी पुत्री थी रुक्मिणी, जो कुंडलपुर कुरकिहार बगल की रहने वाली थी, तो उसी जगह का ये धर्मस्थल है और राजा भीष्मक का ये राजबाड़ी का ये राजबाड़ी था। यहीं श्री रुक्मिणी नहाने आती थी और यहीं से देवी का पूजा करने जाती थी। यहीं से मान्यता है कि जो मंदिर का दरवाज़ा है पहले पूर्वाभिमुख था और जब श्री कृष्ण लेकर रुक्मिणी को मतलब हरण करके लेकर गए तो ये दक्षिण में हो गया। अच्छा, ये अपने आप हो गया? अपने आप हो गया था। देखिए बहुत साधु संत भी रहे हैं, देखिए प्राचीन स्थान भी बना है, तो बस इसके विकास के बारे में सोचा जाता है। निश्चित रूप से मैं भी निवेदन करूंगा। अगल बगल में जो नशेड़ियों का अड्डा जो जमता है, अगर जो उस पर सरकार अगर जो ध्यान देकर उसको बंद करता कि जब भी आए हुए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हो जाता है तो नशा में इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो नशा मुक्त स्वच्छ भारत, सही बात है। हमारे बिहार सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपने शराब बंद कर दिया था, लेकिन उसका क्या प्रभाव है पूरे बिहार में शायद आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप भी अवगत हैं इस चीज़ों से। माननीय नीतीश कुमार जी भी यहाँ पे आए हैं 2000 कहीं में आए थे, 2011 में भी आए हैं। उनके आने के बावजूद भी इसका कोई विकास नहीं, वो भी यहाँ पे भ्रमण किए हैं, उसके बाद भी कोई विकास नहीं। कई जगहों पे आप गए हैं और वो बर्बाद होते जा रहा है और चाप चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे सनातन धर्म का चीज है इसको। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि ये प्राचीन जगह है, प्रसिद्ध जगह है, प्रसिद्ध स्थल है ये, और इस तरह से इसको छोड़ देना शायद नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। यहाँ पे सभी के सभी ग्रामीण संत श्री हैं, यहाँ पे रहते हैं, पुजारी जी हैं जो लगातार यहाँ पे रहते हैं, पूजा करते हैं, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं निवेदन करूँगा कि इस जगह का भी उद्धार होना चाहिए। तो जी 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 जी, कई जगह से आप वादा किए हैं कि जो भी इस तरह का जगह है, इस तरह का स्थल है, हाँ कुछ कह रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। अच्छा, नीतीश कुमार कह के गए थे कि यहाँ बहुत अच्छा बनाएंगे, ये रुक्मिणी हरण की जगह है। हम अर्जुन चौधरी बोले, लक्ष्मीकांत के सामने बात हुआ था। जी 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 जी। लेकिन फिर दोबारा नहीं आए वापस में। सही बात है, सही बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस जगह का भी उद्धार होना चाहिए और ये जिस तरह से इसका महानता है, इसकी प्रसिद्धि है, वो बरकरार रहे, इसके लिए प्लीज एक बार इसके लिए सोचें। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा आपको ये हराही स्थान का भ्रमण करके, जहाँ पे रुक्मिणी जी का हरण किया गया था, वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा, हमारे आराध्य प्रभु के द्वारा उनका हरण किया गया था, और वो भी रुक्मिणी जी के इच्छा से। काश आज के समय में ऐसा होता कि याद करते और उन्हें हरण करने के लिए आ जाते, लेकिन अभी संभव नहीं है, क्योंकि वो भावना नहीं है ईश्वर के प्रति, है ना। उनकी भावना थी ऐसा कि एक बार याद किए और वासुदेव श्री कृष्ण प्रकट हुए और उनको हरण करके ले गए। तो कैसा लगा ये हराही स्थान का भ्रमण करके, माता का दर्शन करके, आप सब हमें टिप्पणी के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।